आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव के समय दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग जोर शोर से की थी। यही नहीं, केंद्र शासित प्रदेश का सीएम होने के बावजूद केजरीवाल मनमानी के मूड से बाहर नहीं निकल पाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो अपनी सीमा ही भूल जाते हैं, जिसके कारण कई मामलों में केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति बन जाती है, जिसके समाधान के लिए कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में एक बिल पेश किया गया है। इस बिल के पारित होने से पहले ही अरविंद केजरीवाल के होश उड़े हुए हैं। सीएम केजरीवाल और उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया है। केजरीवाल एंड कंपनी को इस बात का डर सताने लगा है कि लोकसभा में पेश किए गए इस बिल के पारित होने पर उनके हाथ से सारे अधिकार छिन जाएंगे। दिल्ली की सरकार का असली मालिक लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी हो जाएंगे और दिल्ली की सरकार को एलजी के इशारों पर काम करना पड़ेगा। दरअसल इस बिल में दिल्ली के मौजूदा कानून में 3 संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें एक संशोधन के अनुसार दिल्ली विधानसभा में बनाए गए किसी कानून में दिल्ली सरकार का मतलब एलजी होगा, यानी दिल्ली सरकार की जगह एलजी लिखा जाएगा, जिससे यह साफ होता रहे कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ की सरकार के पास एक सीमित ताकत है और असली सरकार एलजी की है। दूसरे संशोधन के अनुसार अगर दिल्ली विधानसभा में कोई भी ऐसा बिल पारित होता है जो विधानसभा के दायरे से बाहर है, तो एलजी इसके ऊपर विचार करने या इसे राष्ट्रपति के पास भेजे जाने को बाध्य नहीं होंगे। इसका मतलब है कि पहले की तरह अब अरविंद केजरीवाल विधानसभा में उल जुलूल विधेयक पारित नहीं करा सकते। पिछले कुछ समय से अरविंद केजरीवाल ने सीएए, कृषि कानून आदि पर विधानसभा में विधेयक पारित कराया जो दिल्ली विधानसभा के दायरे से बाहर है, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन लोकसभा के इस बिल के पारित होने के बाद उन्हें ऐसा करने से रोका जा सकता है। इनके अलावा एक तीसरा संशोधन भी प्रस्तावित है। इसमें तो केजरीवाल की सरकार को दिल्ली के प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप से ही बाहर कर दिया गया है। इसमें साफ लिखा है कि दिल्ली विधानसभा प्रदेश के दैनिक प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिए कोई समिति नहीं बना सकती है। यही नहीं, किसी प्रशासनिक मामले की जांच के लिए विधानसभा की कोई समिति नहीं बनाई जा सकती। इन संशोधनों का मतलब है कि दिल्ली की सरकार अब केवल एलजी के इशारों पर ही काम कर सकती है। वैसे भी दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ विधानसभा का गठन तो किया गया, लेकिन अब भी 4 मामले यानी जमीन, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और सर्विसेज केंद्र सरकार के अधीन है, जिसका प्रतिनिधित्व दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल एलजी की कानूनी ताकत को मानने से इनकार करते रहे हैं, जिसके कारण दोनों का मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। दिल्ली की कमान पूरी तरह अपने हाथों में लेने के लिए ही केजरीवाल ने पूर्ण राज्य का शगुफा छेड़ा था, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया है और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि केजरीवाल के हाथ से बची खुची ताकत भी छिन जाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कॉमेंट बॉक्स में देते रहे। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।